जय साथु, आज हम हिंदी के बुक की बात करने वाले हैं जो कि आपके RW में अंकित भाटी सर और नवीन सर द्वारा इस किताब को लॉन्च किया गया था। इस किताब में क्या खास है, क्योंकि बहुत से साथी हो गए मैसेज आए थे कि उस किताब को बताइए क्या उसमें खास है, क्योंकि बहुत से साथी क्या RW के एक प्रकार से प्रेमी टाइप के। तो आपको हिंदी के लिए मैंने किताब बता दिया था, लेकिन अब मेरे पास भी आप सभी किताबें हैं हिंदी की, लगभग ये किताब नहीं थी क्योंकि RW का नाम तो काफ़ी है। अब इस बुक को आपको बता दूंगा कि इस बुक में क्या खास है क्या नहीं है, ये आपको लेनी चाहिए कि नहीं, इसमें क्या चीज़ें अच्छी है क्या चीज़ें इसमें खराब है। तो हर किताब की कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और कुछ ना कुछ खराबी होती है, उसी चीज़ पे एकदम डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में इसका रिव्यू करेंगे कि यह आपके लिए लाभदायक है कि नहीं। क्योंकि किताबें जो भी लिया करें सोच समझ के लिया करें, क्योंकि किताबों को जब तक उसका रिव्यू ना देख ले तब तक उस किताब को नहीं परचेज करना चाहिए किसी के भी कहने पर। तो किताब को अगर आपको जब भी पसंद आए तभी उस किताब को लीजिए, पहले अपने पे भरोसा रखें कि हाँ इस किताब में कंटेंट अच्छा है, तभी उस चीज़ को परचेस करिएगा। तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपकी बुक का पूरा कवर है, इस पे देखिए आपके किस किस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इस किताब के लेखक है अंकित भाटी सर और नवीन सर। ये किताब अभी फर्स्ट एडिशन 2024 का है इस पर, और ये सारी चीज़ें आपके देखिए उसमें उनके द्वारा लिखा गया है प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। और ये देखिए उसके आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर दिए हैं इस किताब में, टोटल 26 चैप्टर आपको इस किताब में दिए गए हैं। तो मैं आपको ध्वनि उच्चारण और हिंदी वर्णमाला लिपि वाले जो है चैप्टर का आपको रिव्यू कराने वाला हूँ। ये आपका हिंदी वर्णमाला का जो लिपि वाला चैप्टर है, आपको इसको देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पहले तो वर्ड का स्वरूप है, कैसे वर्ड का बांटना गया, कैसे वर्ण का पूरा दिया गया आपको, ठीक है। उसके बाद हिंदी स्वर में वर्गीकरण किस स्वर किस प्रकार से, जैसे जीभ के आधार पर, जीभ के ओठ के आधार पर कैसे है, सब कुछ इस पर दिया। फिर व्यंजन पे आ जाते हैं, व्यंजन कैसे क्या है। फिर उसके बाद आपका हल या हलंत के बारे में, हिंदी के नए वर्ण कैसे कैसे हैं, ये देखो उस पर सब दिया है। पंचमा अक्षर अनुस्वार, हिंदी वर्तनी के नियम जैसे हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इसके जो प्रश्न दिए गए उस पर मेन फोकस करते हैं। अब इसमें जो प्रश्न दिए हैं आपके परीक्षा में आए हुए, जैसे भी लेखपाल में आया था 2022 में, तो वर्तनी का ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया दुनिया, काफ़ी चीज़ें जो आपके जितने क्वेश्चन दिए हैं ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए, चाहे वीडियो में हो, जेल वार्डर, UPSI, RO, UP SSC, मतलब सारे जो है UP PGT तक के भी क्वेश्चन हैं। मतलब हिंदी के जितने आपके यूपी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर हिंदी आई है, सबके क्वेश्चन इसमें कलेक्शन है। तो देखते हैं इसमें टोटल कितना क्वेश्चन दिया गया है। लगभग आपके 179 क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया गया है। अब मैं आपको रचनाओं का रिव्यू कराने वाला हूँ, रचना चैप्टर का। ये आपका रचनाओं का चैप्टर हो गया। इसमें रचना के देखिए साहित्य में क्या कह दिया है, पुल जैसे आपका सभी किताबों में रहता है वैसे इसमें भी है पूरा, हर लेखक के आधुनिक काल छायावाद में कौन कौन है, ये आपके उपन्यासकार प्रसिद्ध रचनाएँ कैसे कैसे है, सब कुछ इस पर दिया है। ठीक ठाक आपकी थ्योरी भी दी है, और आप देख सकते हैं किस कवि को किस किस कौन सी रचना है। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल लगभग कितने हैं। देखो ये सभी एग्ज़ामों के हैं आपके, नीट UGC नीट परीक्षा, UGC नीट के जो आपके आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके दिए हैं, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं आपके जो परीक्षा में आए। ये चीज़ें मुझे इस पर किताब पर खास लगी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं, जो सभी एग्ज़ामों में दिए। आपको अलग से बार बार किसी भी उसके प्रीवियस ईयर की लेना नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन इस पे दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में UP। टोटल रचनाओं के आपके क्वेश्चन है 340 क्वेश्चन। तो यही सारी किताबें आपको देख के समझ में आएगा कि इस किताब में आपके क्या खास होने वाला है, क्या चीज़ है इसमें कमी है, क्या इस पे वो है। बाकी जो भी आपके डाउट है इसको कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बुक के रिव्यू के बारे में समझ में आ गई होंगी, आपके कुछ भी डाउट नहीं रहेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इसको लेना है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको परचेस कर सकते हैं।